रिया चक्रवर्ती बन गई है 9,000 करोड़ की मालकिन। एक समय पे कहा जाता था कि सुशांत सिंह राजपूत के पास मैक्सिमम 53 करोड़ रुपीस थे, लेकिन लास्ट में वो 17.5 करोड़ रुपए छोड़ के गया। 15 करोड़ का उसके ऊपर इल्जाम लगा था, रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो फैमिली ने लगाया था। ये बात अलग है कि न्यूज चैनल मीडिया 17 करोड़ बोल रहे थे। अब इस दोनों में से क्या है एक फिगर अलग बात है, लेकिन ईडी ने कुछ भी नहीं निकाला। लेकिन अब 9,000 करोड़ की मालकिन बन गई है रिया चक्रवर्ती। 9,000 करोड़, ये तो आंकड़ा सुन के मैं भी एकदम शॉक हो गया। 9,000 करोड़ मतलब एक तरह से मानना पड़ेगा आपको एक बात कि रिया चक्रवर्ती इज द मोस्ट लकीएस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। कैसे आप बोलोगे यार ये क्या बोल रहे हो? बिल्कुल, बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत की जो गर्लफ्रेंड रह चुकी वो तो लकी होगी ना यार। सुशांत जैसा बॉयफ्रेंड जिसको मिला वो लकी नहीं होगी। और ये भी माना जाता है कि उसके घर वाले और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि शादी करने वाले थे, मतलब जिसको सुशांत सिंह राजपूत जैसा पति मिले उससे लकी ज्यादा क्या होगी। और अब तो उसको संजय लीला बंसाली की भी फिल्म मिल रही है, अब 9,000 करोड़ की मालकिन भी बन गई। अब बात बताओ मुझे, इतने बड़े केस में इतने इंसान को मारने के बाद भी वो बची है, और उसके बाद भी वो आज 9,000 करोड़ की मालकिन बन रही है, पिक्चरें भी कर रही है, सब कुछ कर रही है। और क्या लक चाहिए भैया, और किससे ज्यादा लक चाहिए? और वो तो नेपो किड भी नहीं है, फिर भी उसको मौका भी मिला, फिल्में भी मिल रही है, सुशांत जैसा बॉयफ्रेंड भी मिला, शादी भी करने वाला था, संजय लीला बंसाली की फिल्म भी मिल रही है, और 9,000 करोड़ की मालकिन भी बन गई। माय गॉड, ऐसी किस्मत भगवान हमें दे तो हम तो पूरी दुनिया बदल दे। लेकिन चलो छोड़ो, सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती के ऊपर क्या क्या होगा ये तो हम देखेंगे ही, इसके बारे में बताऊंगा ही। 9,000 करोड़ की मालकिन कैसे बनी ये इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। एक्चुअली रिया चक्रवर्ती का एक नया अफेयर चालू हुआ है। जो आदमी फाइनेंशियल काम करता है, फाइनेंशियल इधर उधर करता है, रिलायंस से, इससे उससे, म्यूचुअल फंड से, बहुत सारे काम करता है, फिल्म में भी फाइनेंस करता है, और ये मीटिंग करवाने वाले और कोई नहीं भैया, रिया चक्रवर्ती के गॉडफादर महेश भट्ट साहब है, जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को सब कुछ दिया अब तक। रिया चक्रवर्ती को अलग भी कराने वाले सुशांत से महेश भट्ट साहब थे, अब उन्होंने ऐसे इंसान से मिलाया रिया चक्रवर्ती को जो है फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल इधर उधर काम करने वाले। उसका नाम है निखिल कामत। कहा जाता है निखिल कामत के साथ डेटिंग काफी दिन से चल रही थी रिया चक्रवर्ती, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शादी होने वाली है। अब बताओ, रिया चक्रवर्ती अगर 9,000 करोड़ की मालकिन बन गई तो संजय लीला बंसाली जैसे तो 1756 लोग उसकी पिक्चर बनाएंगे। भगवान, कहा गए कर्म, कहा गई जिंदगी, और जो कर्म हिट बैक जो बोलते हैं, कर्मा ही सब कुछ है, कर्मा ही है, ये कहा है? इसका रिजल्ट मुझे दिख नहीं रहा, प्लीज गॉड दिखा दो। आपको क्या लगता है कमेंट करके कमेंट जरूर बताइए रिया के बारे में, क्या होना चाहिए उसके साथ, ये क्यों हो रहा है, भगवान कहा है? प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। धन्यवाद।